कानपुर शूट आउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी थी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास उसने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे महाकाल थाने से लेकर आई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे महाकाल मंदिर के सामने खड़ा था। जैसे ही वहां स्थानीय मीडिया पहुंची तो उसने चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसके बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे महाकाल थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे के दो साथियों का आज यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इस एनकाउंटर के थोड़े देर बाद ही विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया। इंदौर के डीआईजी के मुताबिक सरेंडर के दौरान वह चिल्लाता रहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई जी यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, ले लो यार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मंदिर के अंदर से या बाहर से गिरफ्तारी को लेकर कहना भी ठीक नहीं है। उसने क्रूरता की हदें शुरू से ही पार कर दी थी। वारदात होने के बाद से ही हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे। पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी। 2 जुलाई की रात 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले विकास दुबे की तलाश में पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद न केवल विकास दुबे पुलिस को गच्चा देता रहा, बल्कि वह यूपी हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक घुसता रहा। यूपी पुलिस की टीम ने दिल्ली एनसीआर में डेरा डाला तो विकास दुबे उज्जैन भाग गया। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरे प्रदेश को छावनी में तब्दील करने और 50 से अधिक टीमें लगाने के बाद भी विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा और उसकी किसने मदद की? फिलहाल यूपी पुलिस की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंडओवर करने का भरोसा दिया। अब यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश ले जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उसके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएक्स टीवी, रायपुर। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है।
मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद।